हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ राजभवन की वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राजभवन का मेन एंट्रेंस है। राजभवन साल भर में एक बार खुलता है। पहले वो जनवरी के मंथ में खुलता था, फिर वो फरवरी के मंथ में खुलने लगा और इस साल वो मार्च के मंथ में खुला। राजभवन की लेट से खुलने की वजह हम सब जानते हैं, जो कि है कोविड। नेचर्स लवर के लिए वो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है विजिट करने के लिए। वहाँ पर आपको ग्रीन फील्ड्स, फाउंटेन, फ्लावर्स, ट्रीज़ और बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस साल राजभवन मार्च के मंथ में खुला था और इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर जगह जगह पर वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। इस साल राजभवन में बहुत सारे जगह पर फ़ोटोशूट के लिए एरियाज़ बनाए गए थे, जैसे कि एक ऑक्टोपस जो कि रॉक में बनाया गया था, उसके बाद फाउंटेन्स, उसके बाद थे वुड लॉग रखे गए थे, उसके बाद वॉल पेंटिंग की गई थी, फिर ट्रीज़ पे भी पेंटिंग की गई थी। इस साल राजभवन में स्विंग्स भी लगाए गए थे बच्चों के लिए। आप राजभवन अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हर साल हज़ारों लोग आते हैं उस जगह की सुंदरता को महसूस करने के लिए। राजभवन में आपको रेस्टिंग प्लेसेस भी मिल जाएंगे जगह जगह पर। भवन में मोस्टली आपको कॉलेज स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। राजभवन के अंदर एक ऑडिटोरियम है और उसी के गेट के पास एक बिरसा मुंडा का स्टैचू भी बना हुआ है। राजभवन में बहुत सारी जगहें ऐसी भी थी जहाँ जो कि अंडर मेंटेनेंस थी, जहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। कुछ जगह फाउंटेन्स बन रहे थे, कुछ जगह न्यू फ़ोटोशूट एरियाज़ बन रहे थे। अगर आप नेचर लवर हो तो मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगी कि आप वहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि इतनी डिटेल्स राजभवन के लिए काफ़ी होगी। अब आप आगे वीडियो को एंजॉय करें और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें।
आई होप दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल टू यू. इफ़ येस, डो नॉट फर्गेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड.